पंजाब के जिला मोगा के लुधियाना रोड पर गांव मटवानी के पास आज सुबह एक कैंटर और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में दोनों ड्राइवरों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टक्कर इस कदर भयानक थी कि दोनों ड्राइवरों के शव को निकालने के लिए JCB मशीन का सहारा लेना पड़ा। इसी के साथ ट्रक में 38 भैंसें लदी हुई थी, जिसमें से 16 भैंसें भी मृतक पाई गईं। गाड़ियों के कंडक्टर टक्कर के बाद एक दूसरे पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का इल्जाम लगा रहे थे। मैं कनेक्टरी कर देंगे इसी ट्रक में कनेक्टर दे कनाई अपने गड्डी आंदी थी लाइटां डेमो फुल मारदे भी गड्डी साइड ते गल इन्हें नहीं की कोल आ गए माड़ी गड्डी इधर होर कनेक्टर साइड बट्टी इन्हें सौ तो होर इधर करती तो एक करके गड्डी का एक्सीडेंट हो गया इतों गड्डी धक्के से पिछले तक लैके गई है। तू गाँव से कहाँ आ रहे थे? हम लुधियाना से ही मुक्तसर आ रहे थे, लुधियाना से मुक्तसर। तो कितनी स्पीड में थी ये गाड़ी? साढ़े लिए ये करीब थी 55 के करीब थी। और दूसरे वाला ट्रक वो कोई पता नहीं, हम तुम आपे सोच सकते हो इतों गड्डी धक्का के कितने तक लगेगी यदि स्पीड कितनी होगी। तो तुम्हारी साइड तो दूसरी है, तुम इस साइड से कैसे आ रहे थे? वो पीछे बंद नहीं किया, इधर जी आता जी मूहे गड्डिया भी जी इस करके सारा ट्रक यही रहा। हाँ जी रास्ता एक साइड का चलता पाया जी और मूहे जीतवाल तो ओली साइड आई ओली साइड निकल सारे इधर का कट बनाया उ सड़क बनी नहीं हुई इस करके काम। वहीं मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों गाड़ियों की टक्कर में दोनों ड्राइवर की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की ओर से जांच जारी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस टक्कर में किसकी गलती थी। दो ड्राइवरों की मौत हुई है, ट्रक वाले की भी कैंटर वाले की भी। ट्रक जो आया इधरों बुलटोए तो मझा लद के आ रहा है, जो कैंटर वाला से पलाई लगी जलोर से ट्रक वाले ने जो कट लिया के रजिया है। ट्रक वाले जड़िया कुछ मझा सगिया कुछ लाइया कुछ ला रहे करेंद की मदद जिन्हें चो 2-4 मर चुकी हैं, बाकी ठीक है। लगातार हो रहे सड़क हादसे पंजाब के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं। मोगा से इंडिया 24 के लिए लक्ष्मण जी सिंह की रिपोर्ट।